नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों आज है 31 जुलाई 2020 यानी कि जुलाई का अंतिम दिन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहा करते थे, जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता कि वो हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं हमें एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। वैसे भी दोस्तों कहा गया है, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। आपको हर सुविधाएं हमेशा प्राप्त नहीं होंगी, असुविधाओं में ही आपको आगे बढ़ते रहना होगा। UGC 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने पर अडिग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षा कराने के निर्णय को उचित करार दिया है। UGC ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि तमाम पहलुओं पर गौर करने और उनके बीच संतुलन बनाते हुए परीक्षा कराने का फैसला लिया गया है। 50 पेज के हलफनामे में UGC ने कहा कि वह अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित कराने संबंधी 6 जुलाई के अपने दिशा निर्देश को बदलने नहीं जा रहा है। COVID-19 की स्थिति को देखते हुए ही ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त वक्त दिया गया। इतना ही नहीं, विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन या ऑफलाइन मतलब जिस प्रकार से सुविधा मिले उस प्रकार से परीक्षा कराने की छूट भी दी गई है। अगर छात्र किसी कारणवश परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे बाद में भी परीक्षा में शामिल किया जाएगा। 6 जुलाई के आदेश में ये बातें विश्वविद्यालयों को इजाजत में दी गई हैं। तो वे छात्र उन छात्रों के लिए यानी कि ऐसे जो विश्वविद्यालय होंगे वो उन छात्रों के लिए विशेष परीक्षा का प्रबंध करेंगे जो सितंबर में किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते हैं। UGC ने दिल्ली महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित न कराने जाने को दुखद बताया है और कहा है कि ऐसा करना दिशा निर्देशों का उल्लंघन है और इससे उच्च शिक्षा का स्तर प्रभावित होगा। यानी कि UGC जो है अंतिम वर्ष के छात्रों को किसी भी प्रकार से परीक्षा में छूट देने को तैयार नहीं है और हलफनामे में भी उसने यही बात कही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय सहित प्रदेश की अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों और न्यायिक संस्थाओं द्वारा पारित आदेशों को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे उन वादकारियों को लाभ मिलेगा जिनके मुकदमों में पारित आदेश इस अवधि के भीतर समाप्त हो रहे थे। इस क्रम में कोर्ट ने जमानत आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली के रोक के आदेश की अवधि भी 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। तो ये न्यूज मैं इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि जो इस प्रकार के आदेश हैं वो स्वतः ही अब 31 अगस्त तक मतलब बढ़ गए हैं। आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल व न्यायमूर्ति डॉक्टर YK श्रीवास्तव की खंडपीठ ने स्वतः कायम जनहित याचिका पर दिया। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनलॉक में काफी छूट दी है, इसके बावजूद लिंक अदालतों व हॉटस्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से ये जो आदेश हैं वो 31 अगस्त तक बढ़ाए गए हैं। और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में ST कोटे की जो रिक्त रह गई सीटें हैं वो SC अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। SC अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर ST कोटे की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग की है। ओमपाल सिंह और 155 अन्य याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सुनवाई की। याचिकाओं के अधिवक्ता सीमान सिंह का कहना कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में SC अभ्यर्थियों के लिए 14,990 पद जबकि ST कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद ST के कुल 270 अभ्यर्थी सफल हुए, सभी को नियुक्ति मिल गई। इसके बावजूद ST कोटे की कुल 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना था कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि ST कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको SC कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। ये 1994 की नियमावली में कहा गया है, इसलिए ये जो रिक्त पद हैं उन्हें जो है SC अभ्यर्थियों से भरा जाना चाहिए। और इस पर जो है हाई कोर्ट ने सचिव और राज्य सरकार से जवाब मांगा है, तो देखते हैं इस पर क्या आदेश आता है। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को 9 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है।
और एलटी गेट परीक्षा के 2 साल पूरे हो गए और इन 2 सालों में अभी भी एलटी गेट परीक्षा किनारे नहीं लग सकी है। 13 विषयों के परिणाम जारी हुए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर अभी जो सफल उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति नहीं मिल सकी है। और इसके अलावा सबसे अधिक संख्या है सामाजिक विज्ञान और हिंदी के प्रश्न पत्र में, तो सामाजिक विज्ञान और हिंदी का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि जब तक चार्जशीट एसटीएफ दाखिल नहीं कर देती है धांधली के लिए तब तक ये परिणाम जारी नहीं होंगे। हालांकि अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी चिंता में है कि जिस प्रकार आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा को निरस्त कर दिया गया कहीं ये परीक्षा भी निरस्त न हो जाए, लेकिन इस बात की संभावना नहीं है। अभी फिलहाल ये देखना है कि चार्जशीट किस प्रकार से दाखिल होती है और उसके बाद ही परिणाम आएंगे। फिलहाल आज शुक्रवार है, शनिवार रविवार लॉकडाउन, उसके बाद रक्षाबंधन की छुट्टियां होंगी, तो अभी तो फिलहाल इस सप्ताह कुछ होने का कुछ उम्मीद भी अभी प्रतीत नहीं हो रही है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षा नीति के बारे में, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी सूचनाएं कल दे चुका हूं कि किस प्रकार से शिक्षक भर्ती होगी, टीईटी का क्या प्रारूप होगा और बीएड का जो 3 पैटर्न होगा 4 साल 2 साल और 1 साल वो कैसे होगा और किन उसके लिए योग्यता क्या चाहिए होगी और भी बहुत सारी जानकारियां मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियो के माध्यम से दे चुका हूं नई शिक्षा नीति पर। अब यहां पर जो बातें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं बातों को सॉर्ट आउट किया गया है आज के न्यूज़पेपर में, और आज का न्यूज़पेपर में जो ये खबरें हैं उस पर भी आइए एक नजर डालते हैं। जैसे कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक जो एजुकेशन होगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, तो इसके लिए कहा गया है कि 5वीं कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने का फैसला किसी बच्चे पर कोई भाषा थोपने के लिए नहीं है, मकसद छोटे बच्चों को संस्कृत से जुड़ते हुए सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ाना है। घर में मातृभाषा का ही प्रयोग होता है, ऐसे में छात्र जब उसी भाषा में सीखेगा तो उसे हमेशा याद रहेगा। हालांकि मातृभाषा किसी पर थोपी नहीं गई है, यदि कोई किसी अन्य भाषा से जुड़ना चाहता है तो उसका भी विकल्प रहेगा। त्रिस्तरीय भाषा की बात कही गई है, एक मदर टंग, दूसरी हिंदी और तीसरी कोई भी भाषा जिससे मतलब अगर आप चाहें तो अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, तो 3 भाषाओं की बात यहाँ पर कही गई है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में अलग अलग भाषाओं पर जोर दिया गया है, अपनी भाषा में बच्चे सीखने में आसानी से सीख सकते हैं, इससे उनका ज्ञान बढ़ता है, इसलिए मदर टंग को प्राथमिकता दी गई है। और इससे जो कोचिंग की दुकानदारी है वो भी बंद हो सकेगी क्योंकि पढ़ाई रटने की जगह प्रयोगात्मक ज्यादा होगी, बोर्ड परीक्षाओं में सभी छात्रों की योग्यताओं और क्षमताओं का सही आकलन नहीं हो पा रहा था, इसके लिए स्वरूप को बदलने की जरूरत महसूस की गई। साल में बोर्ड परीक्षा एक बार होती थी, अब ये जो परीक्षाएं होंगी यानी कि सेल्फ असेसमेंट के आधार पर भी अब जो अंक होंगे वो दिए जाएंगे, और इससे क्या होगा कि बोर्ड परीक्षा का तनाव खत्म होगा। ऑन डिमांड परीक्षा की बात यहां पर कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने वाली समिति के पूर्व सदस्य और विख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर जेएस राजपूत का कहना है कि नई शिक्षा नीति से छात्रों और अभिभावकों का तनाव दूर होगा, सबसे ज्यादा फायदा बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को होगा क्योंकि नई नीति में परीक्षा 2 बार करने का विकल्प होगा, आने वाले समय में बोर्ड परीक्षा ऑन डिमांड होगी। और राजपूत कहते हैं कि यदि एक बार परीक्षा तैयारी की कमी या किसी कारण से नहीं दे पाए तो दोबारा मौका मिलेगा, 9वीं से छात्र मनपसंद विषय चुन सकेंगे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो साइंस और आर्ट के बीच में जो एक बॉर्डर लाइन थी उसको हटा दिया गया है, अगर आप चाहें तो फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप हिंदी और संस्कृत भी आप लेकर पढ़ सकते हैं, यानी कि विषयों का जो चयन था जिसमें एक विशेष उसमें एक डिवाइडेंस था उसको समाप्त कर दिया गया है। और अभी तक जैसे आप देख रहे होंगे एनआईओएस जो है परीक्षा कराता है, नेशनल ओपन स्कूल बोर्ड में ऑन डिमांड परीक्षाएं होती हैं, तो आने वाले समय में सभी स्कूलों के लिए भी ऐसा ही होगा, यानी कि ऑन डिमांड परीक्षाएं आप दे सकेंगे। और इसी के साथ नई शिक्षा नीति में जो विशेष बातें हैं उसमें यह है कि शिक्षकों को जैसे कि चुनाव में ड्यूटी लगती थी और इसके अलावा स्कूल में खरीदारी करनी पड़ती थी और बहुत सारे गैर शैक्षिक कार्य करने होते थे वो अब नहीं करने होंगे, इसके लिए अलग से स्टाफ होगा। अच्छा, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आप लोगों ने ये पूछा है कि ये जो सारे नई शिक्षा नीति के जो सारे नियम हैं ये कब से लागू होंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि नई जो शिक्षा नीति है इसको लागू करने के लिए अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं है और क्रमशः ये चीज़ें जो होंगी वो बदलाव में आएंगी। इसमें 2030 तक कुछ चीज़ें बदल जाएंगी और कुछ चीज़ों के लिए 2040 यानी 2 दशकों तक का भी समय लग सकता है। तो देखिए जो बदलाव होंगे वो क्रमशः होंगे,
एक आएक सब कुछ नहीं बदलने वाला है, इसलिए आप लोग परेशान ना हो। फिलहाल जो आने वाली भर्तियां हैं, वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं उसमें तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो आने वाली भर्तियां हैं उनमें कुछ नई चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड होगा वो जरूरी होगा सभी शिष्यों के लिए। ये कब तक किया जाएगा? 2030 तक। यानी कि किसी भी लेवल पर, आप प्राइमरी लेवल पर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, माध्यमिक पर बनना चाहते हैं, या फिर इंटरमीडिएट लेवल पर, तब भी आपके लिए ये जो बीएड होगा वो जरूरी होगा। टीईटी को और व्यापक बनाने की जरूरत होगी, इसमें और भी बदलाव होगा। और इसी के साथ ये कोशिश की जाएगी कि जहां पर जो अध्यापक नियुक्त किया जा रहा है वहां के लिए वो भाषा शैली में कितना एफिशियंट है, इसके लिए इंटरव्यू के बारे में बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कक्षा में डिमॉन्स्ट्रेशन भी उनका लिया जाएगा, यदि 5-7 मिनट, जिस प्रकार आप बीएड की, जब आप बीएड में टीचिंग कर रहे थे तो जो आप कक्षा लेते थे 5-7 मिनट की, उसी प्रकार से आपकी कक्षाएं ली जाएंगी। मतलब देखा जाएगा कि आप कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं, और आपकी जो भाषा शैली होगी उसको भी परखा जाएगा कि किस क्षेत्र में आपको नियुक्ति दी जा सकती है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों से है और उसे पश्चिमी जो जिले हैं उनमें नियुक्ति दी जानी है, तो वहाँ की जो मदर टंग है उसमें वो कितना एफिशिएंट है, सहज महसूस करता है या नहीं करता है, इस बात के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि अगर आप मान लेते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाता है कोई व्यक्ति पूर्वी उत्तर प्रदेश का, तो और वहाँ की जो मदर टंग है उसमें वो एफिशिएंट नहीं है, तो उसकी नियुक्ति फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही की जाएगी। यानी कि जहाँ पर आप एफिशिएंट होंगे वहीं पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। और सरकारी हो या प्राइवेट, सभी के लिए टीटी अनिवार्य होगी। मास्टर इंस्ट्रक्टर का पद एक लाया जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा कि लोकल क्षेत्रीय स्तर पर जो वहाँ की विधाएं होंगी उसको जो है टीच करने के लिए मास्टर इंस्ट्रक्टर का पद होगा। सारी जानकारी मैंने कल के वीडियो में दे दी है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, सारी बातें आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो नई शिक्षा नीति में शिक्षकों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, लेकिन उनको कई सहूलियतें भी मिलेंगी। उनका ना तो बेवजह तबादला होगा, ना ही गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें लगाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति, तैनाती, सेवा शर्तें और उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाना ही इस शिक्षा नीति का कर्तव्य है। और शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाएगा जिससे वो देश के भविष्य को और सुंदर और सशक्त बना सकें। ग्रामीण इलाकों में तैनाती पर आवास की मतलब व्यवस्था होगी और अधिक आवास भत्ता दिया जाएगा। तबादले सिर्फ विशेष परिस्थिति में होंगे, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप मिलेगी, यानी कि जो लोग 4 वर्षीय बीएड करेंगे अगर वो उनकी मेरिट अच्छी होगी तो उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा ताकि लोगों की रुचि इस ओर बढ़े। ग्रामीण क्षेत्रों में मेरिट आधारित स्कॉलरशिप से पढ़ाई के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर तैनाती को वरीयता दी जाएगी, खासतौर पर महिलाओं को, ताकि वो सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि महिलाओं को स्थानीय स्तर पर ही उनको जो नियुक्ति देने की बात इसमें कही गई है। और बच्चों का भावनात्मक विकास करना होगा, अभी तक शिक्षक ऐसे कार्यों में व्यस्त रहते थे जिसका संबंध शिक्षा से नहीं होता था, अब ऐसा नहीं होगा। शिक्षकों का पूरा ध्यान पढ़ाने पर होगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वो बच्चों को सामाजिक भावनाओं से जुड़े बिंदुओं को लेकर प्रशिक्षित करें। टीटी को और मजबूत बनाया जाएगा। टीटी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए परीक्षा में विषयवार अंकों के आधार पर वरीयता मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, कक्षा प्रदर्शन और साक्षात्कार में भाषाओं की परख की जाएगी, तो ये चीजें भी लागू रहेंगी। यानी कि फाइनली आपको जो है क्लास में पढ़ा कर दिखाना होगा कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं और मदर टंग में किस प्रकार की आपकी ग्रिप है। और स्थानीय स्तर पर मास्टर इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति करनी होगी। ये लोग बच्चों को स्थानीय स्तर पर कला, कृषि और दूसरी ऐसी कोई तकनीक जो स्थानीय स्तर पर मशहूर हो सके उसके बारे में टीच करेंगे, उनको समझाएंगे ताकि आगे चलकर बच्चे उसको अपने रोजगार का हिस्सा बना सके। सभी स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा के बारे में बात की गई है और शिक्षकों की मदद के लिए काउंसलर, सामाजिक कार्यकर्ताएं और तकनीकी जानकारों की टीम होगी। शिक्षक अभिभावकों के साथ स्कूल के संचालन में मदद करने वाले के संपर्क में रहेंगे और खुद को तराशने का मौका दिया जाएगा। शिक्षकों के पास स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं में भाग लेकर नया सीखने और बच्चों को सिखाने का पूरा मौका इसमें दिया जाएगा। यानी कि कई सारे चेंजेज क्रांतिकारी लेवल पर मिलेंगे। दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और शिक्षकों को शिक्षा के साथ हर क्षेत्र पारंगत बनाने का लक्ष्य होगा।
2030 तक शिक्षकों को शिक्षित करने की प्रणाली बहुत विशाल होगी। अधिकतर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री मिल सकेगी। 2030 के बाद वही शिक्षक बन सकेंगे जिनके पास कम से कम 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षण कार्य का अनुभव रखने वाले 2 साल की बीएड डिग्री वाले भी पात्र हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो स्नातक होगा, ग्रेजुएशन होगा, वो अब 2 प्रकार का होगा। एक स्नातक होगा 3 वर्ष का, दूसरा होगा 4 वर्ष का। तो अगर आपने 3 वर्ष का स्नातक मतलब पाठ्यक्रम पूरा किया है तो आपको 2 वर्ष का जो बीएड होगा वो करना होगा। अगर आप 4 वर्ष के पाठ्यक्रम से हैं तो आपको 1 वर्ष का बीएड करना होगा। और अगर आप इंटरमीडिएट के बाद बीएड करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड, तो 4 वर्ष का बीएड आपको करना होगा। तो ये बातें, ये 3 प्रकार की बीएड है। हालांकि पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी हमारे वीडियो से, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको बताया है कि शिक्षक भर्ती का प्रारूप क्या होगा, किस प्रकार से शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, और भी तमाम जानकारियां हैं जैसे कि टीटी के बारे में है और बीएड के बारे में है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, वो बात ये है कि सप्ताह में 2 दिन का प्रतिबंध अभी अगस्त माह में भी जारी रहेगा। स्कूल, कोचिंग और सभी शिक्षण संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, यानी कि अनलॉक 3 की जो गाइडलाइन है उत्तर प्रदेश के लिए जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर जो बातें हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होनी है और उस दिन रविवार है। फिलहाल जो गाइडलाइन है वो ये कह रही है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक का जो प्रतिबंध है वो लागू रहेगा, यानी कि रविवार को जो लॉकडाउन रहता है वो लागू रहेगा। और तय हुआ है कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम जहां कहीं आयोजित किए जाएं उनमें सामाजिक दूरी और अन्य सामाजिक संबंधी प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति होगी। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुक्रम में 29 जुलाई 2020 से कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन गतिविधियों को प्रारंभ करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने स्पष्ट किया कि सभी सिनेमा हॉल, तरण ताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे। सिर्फ योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। व्यक्तियों और वस्तुओं, माल आदि के राज्य के अंदर और अंतर राज्य परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं गृह मंत्रालय भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर मेट्रो, रेल सेवाएं, सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व अन्य सामूहिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 तक लागू रहेगा। और इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से प्रभावित लोगों को सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि धन की कमी नहीं उन्हें होने दी जाएगी और 25 लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 3 करोड़ और 25 लाख से अधिक वालों को 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात स्वतः समझने योग्य है और वो बात ये है कि जो बीईओ की परीक्षा होनी है, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होनी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो बीईओ की जो परीक्षा है ये कब होनी है, ये 16 अगस्त को होनी है। और 16 अगस्त को क्या है, 16 अगस्त को है संडे। तो यहाँ पर जो न्यूज है उसके मुताबिक शनिवार और रविवार का जो लॉकडाउन रहेगा वो लागू रहेगा, ठीक है, तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक। तो यहाँ पर अगर शनिवार से रविवार का जो लॉकडाउन है अगर वो लागू है तो ये समझने योग्य बात है कि संडे की परीक्षा फिर स्वतः ही नहीं हो रही है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई भी समाचार प्राप्त नहीं हो रहा है। यूपीपीएससी जो है वो अभी इसके बारे में नहीं बताया है, लेकिन आपने देखा होगा कि एपीओ की परीक्षा भी शनिवार और रविवार को ही हो रही थी और इसी वजह से उस परीक्षा की डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, 29 और 30 जुलाई कर दिया गया था, ठीक है। तो ये परीक्षा नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है ये 16 अगस्त दिन रविवार को है। डेफिनेटली ये परीक्षा जो होगी बस रविवार को तो नहीं हो पाएगी। और इसके बाद अब ये परीक्षा कब होती है, जिस प्रकार से ये परीक्षा करवाई गई थी, ये पीओ वाली परीक्षा मतलब 10 दिन के अंदर करवा ली गई, क्या परीक्षा 10 दिन के अंदर होगी या फिर इसका टाइम टेबल और आगे जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा।